फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है पूरन पूड़ी। तो पूरन पूड़ी ये खास अवसर में महाराष्ट्र में बनाया जाता है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन बहुत लोगों को ये बनानी आती नहीं है। तो मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इस किस प्रकार से इसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें पूरन पूड़ी के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले एक बाउल भर के मैंने चना दाल ली है, और उतना ही, जितना बड़ा ये बाउल है उतनी ही हमें शक्कर या गुड़ लेनी है। तो मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, जितनी दाल रहेगी उतना ही गुड़ रहेगा। और एक नटमेग जिसे जायफल कहा जाता है उसका पाउडर, और इसमें 2 से 3 इलायची भी मैंने पाउडर करके डाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। पूरन पोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो बाउल भर के दाल ली थी उसे अच्छे से वॉश किया है अच्छे पानी से। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि हमें कुकर में ये जो दाल है वो बॉईल करनी है। तो ये जो दाल मैंने वॉश करके रखी है, अभी मैं ये जो जितनी दाल है इतनी कटोरी भर के, 2 कटोरी इतने 2 बाउल भर के मैं इसमें पानी लूंगी। 1 एंड 2, देखिए 2 बाउल मैंने जितनी दाल थी उतने ही 2। अगर आप 2 ग्लास दाल लेते हैं तो 2 ग्लास 4 ग्लास उसमें पानी डालना पड़ेगा। मैंने एक जो बाउल है इतनी दाल ली थी, तो मैंने 2 बाउल इसमें पानी लिया है। तो अभी हम इसे 5 से 6 विसल्स होने देंगे और मीडियम फ्लेम पे ये दाल अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। अगर आपके पास छोटा कुकर नहीं है तो आप बड़े कुकर में भी ये कर सकते हैं। देखिए अभी ये कुकर हो चुका है, मैंने 5 से 6 विसल्स होने दी थी, अभी ये ठंडा भी हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं दाल कैसी है, मतलब प्रॉपरली बॉईल हुई या नहीं हुई। दाल बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हुई है, देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। इसी तरीके से चाहिए हमें, एकदम पेस्ट हो जाना चाहिए दाल का, जैसी हमें चाहिए उसी तरीके से ये दाल हो चुकी है। इसमें पानी भी नहीं है नीचे बचा हुआ, कभी कभी थोड़ा सा पानी रहता है, इसमें नहीं है, मतलब हमारी दाल बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अगर आपको ये दाल दूसरी बर्तन में अगर ट्रांसफर करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी में जो गुड़ है वो गुड़ मैं ऐड कर दूंगी। तो गुड़ बहुत मोटे मोटे इसके टुकड़े हैं, मैं थोड़ा सा इसको और बारीक एकदम करके इस तरीके से डाल के हम लोग अभी ये पूरा मेल्ट होने तक, गुड़ पूरा मेल्ट होने तक हमें इसे ये दाल में पकाना है। देखिए मैंने जो गुड़ था ये इस प्रकार से इसके टुकड़े छोटे छोटे किए हैं, और ये सारा गुड़ कटोरी भर के था, मैंने आधा डाल दिया है और आधा देखिए मैं अभी पूरा ये डाल रही हूँ। ये पूरा गुड़ आपको डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और एकदम लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है, जब तक ये पूरा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसको लगेंगे 20 से 25 मिनट, तब तक जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। और ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा ये पतला है तो ये भी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो तब तक हमें इसे चलाना है और 20 से 25 मिनट तक इसे पकाना है। तो चलिए हम धीरे 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 अभी इसे पकाते हैं और देखते हैं। गुड़ जो है वो मेल्ट हो रहा है, देखिए ये जो दाल है ये थोड़ी सी ऐसी पतली हो रही है क्योंकि गुड़ अपना अभी पूरा मेल्ट होके उसका पानी छूट रहा है। तो अभी ये स्टेज पे हमें इसे बंद वगैरह नहीं करना है और इसको 10 मिनट होने की ज़रूरत है, जब तक ये दाल अच्छे तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती। देखिए इस तरीके से होगा जब गुड़ मेल्ट होगा। आप अगर शक्कर भी डालते हैं पूरन में तो वो भी इसी तरीके से होगा। तो और इसे हमें पकाने की ज़रूरत है, सिर्फ धीरे धीरे आपको बीच बीच में चलाना है। ये जो नीचे है, नीचे लग जाती है शक्कर या गुड़ की वजह से, तो इसी तरीके से आपको चलाते जाना है और इसे और 10 से 15 मिनट आपको पकाना है।
देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और जो गुड़ था वो पूरा अभी मतलब एब्जॉर्ब हो गया है। जब भी उसने थोड़ा पानी छूटा था तो थोड़ा सा पतला पतला था ये पूरा जो मिश्रण है वो, लेकिन अभी ये पानी पूरा सूख गया है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। ये जो पूरन है दाल और गुड़ का जो मिश्रण है ये अच्छा इस तरीके से ये ऐसा हो गया है गाढ़ा और ठंडा भी मैंने कर लिया है। अभी हमें इसे थोड़ा सा इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है, क्योंकि दाल भी थोड़ी थोड़ी थी तो हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो मैं पूरन यंत्र भी आता है, मिक्सर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सर पे ओवरलोड होगा इसीलिए मैं मिक्सर पे नहीं कर रही हूँ। तो मेरे पास एक ट्रिक है, जैसे आपके यहाँ ये जो है रहता है ना सूजा वाली छन्नी, उससे मैं ये थोड़ा बारीक कर लूंगी। तो देखिए ये और नीचे का जो पॉट है ये इस पे फिट बैठना चाहिए। अभी आप ये टेक्निक देखिए कि ये बहुत इजी है, जिनके यहाँ पूरन यंत्र नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी है। पूरन ठंडा होना चाहिए, एकदम भी ठंडा नहीं, ये थोड़ा सा गर्म है। इस तरीके से इसे हम लोग छान लेते हैं। छान लेते हैं मतलब जो एक्स्ट्रा का जो दाल जो ये नहीं थी, एकदम मैश नहीं हुई थी, वो भी इसमें मैश हो जाएंगी। ये टेक्निक से अगर आप करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा पूरन। देखिए इस प्रकार, देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा इसका पेस्ट इस टाइप से। तो ऐसा करके मैं पूरी दाल अभी करके आपको दिखाती हूँ। पूरन बन के हमारा रेडी है। मैंने सारा का सारा पूरन कर दिया है, ये कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर दिया मैंने, और जो जायफल था और विलायची ये मैं भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। जायफल हम लोग इसलिए डालते हैं इसमें क्योंकि जो चना दाल होती है थोड़ी हेवी होती है, इसीलिए इसमें एक पूरा जायफल जाएगा, और टेस्ट के लिए इलायची। तो ये पूरा अभी रेडी है, अभी बस इसको रोटी बेलनी बाकी है हमारी। तो रोटी किस प्रकार बनाएंगे तो अभी मैं वो बताती हूँ आपको। रोटी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा आटा गूंद लिया था, सॉफ्ट आटा है ये, तो ये आटा नहीं है, मैंने मैदा यूज़ कर रही हूँ मैं कवर के लिए। आप जो घर में गेहूं की रोटी बनती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी दिखाने के लिए थोड़ा सा ये मैदा यूज़ कर रही हूँ, तो इसको मैंने पहले ही भिगो के रखा था, अभी ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। इतना हमें ये आटा लेना है, इसकी लोई बनानी है। अभी किस प्रकार से हमें इसे इसकी स्टफिंग करनी है और रोटी बनानी है आप देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप। डस्टिंग के लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, अभी मैं ये लोई इसमें डाल रही हूँ। देखिए इस प्रकार, थोड़ी सी लंबी बेलनी है हमें रोटी, क्योंकि जो स्टफिंग का जो स्टाइल है भरने का वो थोड़ा मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से भरती हूँ। इतना लेना है आपको, ये जो पूरन है पूरन का स्टफिंग आपको इतना लेना है, और इस साइड आपको इस तरीके से डालना है, देखिए इस साइड, और यहाँ पे ये हाथ से ऐसा गोल गोल बनाना है। अभी ये जो पोर्शन है इसका जो बेल के रखा है ये मैं ऐसा टर्न करूंगी इस प्रकार से, और कोई भी आपके यहाँ प्लेट हो जिसको ऐसे कॉर्नर हो थोड़े तेज, तो इससे मैं इसको कट कर दूंगी। देखिए इस प्रकार, ये थोड़ा सा इजी है इसीलिए मैं इस प्रकार से करती हूँ, और ये जो इसका कॉर्नर से ये हमें पूरे पैक कर देने हैं इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से ये जो कॉर्नर है जहाँ से हमने कट किया था वो हम अच्छी तरीके से पैक कर देंगे, क्योंकि जब हम पूरन की रोटी बनाएंगे तब वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी मैं इसे गोल गोल हाथ से हाथ में ही बना देती हूँ। देखिए इससे क्या होगा कि सारा जो पूरन है वो पूरा स्प्रेड होगा ये रोटी में, देखिए इस प्रकार से।
अभी थोड़ा सा डस्ट करूंगी मैं आटा या मैदा, जो भी है आप गेहूं के आटे की बना रही हैं तो आटा आप डस्ट कीजिए। मैं मैदे की बनाई इसलिए मैंने मैदा डस्ट किया है। अभी धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको ये रोटी बेलनी है। वैसे तो आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी आप बेल सकते हैं। मैं छोटी सी रोटी एक बना के आपको दिखाती हूँ, छोटी नहीं है, मीडियम साइज की। देखिए क्या होता है, मैदा जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वो मैदा का ही आटा यूज़ करें, क्योंकि मैदे के आटे की जो रोटी है वो इजीली फटती नहीं है, इसीलिए मैंने बताने के लिए आपको मैदे का आटा यूज़ किया है, मतलब मैदा यूज़ किया है। देखिए इस प्रकार से ये पतली रोटी, एक पूरन रोटी, पूरन की पोड़ी रेडी है। तो अभी हम इसे सेकते हैं। जो डोसा तवा रहता है वो आप यूज करें, क्योंकि लोहे के तवे पे जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनको नहीं होगा, इसीलिए मैं नॉनस्टिक का ये गोल पैन है तो इसी पे मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप बनाना है। थोड़ा सा घी मैं इसमें ऐड करूंगी क्योंकि ये नॉनस्टिक का पैन है तो इसमें ज्यादा नहीं लगेगा, और ये थोड़ी सेकने के बाद फिर हम इसे इसमें घी लगाएंगे। बट जिनको ज्यादा घी पसंद है वो डाल सकते हैं, जब जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं, क्योंकि पूरन पोड़ी को घी में ही सेका जाता है। देखिए इस तरीके से, देखो कितनी सुंदर ये पूरन पोड़ी हो गई है, पतली भी है और पूरा जो पूरन है जो येलो येलो दिख रहा है ये पूरा स्प्रेड हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से ये पूरन की रोटी हमारी बन गई है। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरीके से सेक लेते हैं। आप घी डाल डाल के भी सेक सकते हैं, जिनको घी पसंद नहीं है वो ऑयल में भी सेक सकते हैं। और इसे मीडियम आंच पे पहले आप सेक लें और फिर थोड़ा सा फ्लेम हाई करें। देखिए इस प्रकार से मैंने पूरा अच्छे से घी स्प्रेड होना चाहिए इसलिए मैं इसको इस प्रकार से हिला रही हूँ। मैं देखूंगी कि इसका एक साइड कैसे हो गया है। हाँ ये पक रहा है तो मैं इसे ज्यादा टर्न नहीं करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होती है रोटी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो इसे एक बार एक साइड आप अच्छी तरीके से पका लो और फिर दूसरे जब आप टर्न करोगे तो दूसरा साइड पका लो। अभी हम दूसरे साइड से भी इसे टर्न कर लेते हैं। हाँ हो गई है ये, यस इसी प्रकार से। देखिए मैंने अच्छा रेड रेड होने दिया है इसको। अभी हम लोग अच्छे से इसमें घी लगाते हैं। इसी प्रकार से हमें ये रोटी सेकनी है, मतलब एक साइड पूरा कंप्लीट हमें करना है और दूसरा साइड बाद में। एक दूसरा भी टेक्निक है मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप प्लीज ट्राई मत कीजिए। इसे इस टाइप से टॉस करते हैं और ये भी साइड में मैं अच्छे से घी लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से हमारी पूरन पूरी रेडी है। तो गर्मा गर्म पूरन पूरी बनके रेडी है। तो मैंने इसे बासुंदी या खीर के साथ आप खा सकते हैं या घी के साथ भी खा सकते हैं, जिनको दूध पसंद है वो दूध के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्मिताज इंडियन किचन, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।